अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखिए हम बना रहे हैं भिंडी का शेरवा, खट्टा शेरवा। ये है इमली, भिंडी, मटन, टमाटर, कोथिंबीर और करी पत्ता, प्याज, अदरक लहसुन, एक कप तेल, ये पानी है। देखिए इसमें बना लेंगे कुकर में। देखिए ऐसे पूरे मसाले हैं, क्या बोल रहे हैं? देखिए इसमें बनाएंगे। अभी नए गए इसलिए बल्कि बना ले रही हूँ। 10 बजे है हम लोगों की बस, टिकट बुक हो गए, 10 बजे है बस, इसलिए कुछ भी बना लेके खा लेके घर का। क्या है कि हम वहाँ दरखों को, तो हम पहली बार जा रहे हैं सफ़र में वो दरखों को, इसलिए बोल के घर का खा के करके जाएंगे, बोल के बना ले रहे घर में। देखिए इसमें डालेंगे नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2 पीस आधा चना डालूंगी। देखिए हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी काली मिर्ची और लाल मिर्च, देखिए लाल मिर्ची ज़्यादा ही डालूँगी क्यों बोलते हैं लौंग तेज पसंद। देखिए 3 चम्मच लाल मिर्ची डाला है, उसमें डालेंगे अदरक लहसुन को चॉप करके। इसमें डालूँगी तेल, इसमें डाल 1 कप तेल है, इसमें डालूँगी प्याज, खट्टा शेरवा है गाइस, ये भी भिंडी का शेरवा है, ये भी हैदराबाद की फेमस रेसिपी है, ये भी हैदराबाद में ज़्यादा बनाते हैं ये रेसिपी। देखिए इसमें मैं डालूँगी टमाटर, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें टमाटर डालूँगी, देखिए गाइस मैं पानी डालूंगी, इसको कुकर लगा देके 1-3 सीटी होने दूंगी, उसके बाद में फिर भिंडी डालूंगी, इमली का खट्टा डालूंगी। देखिए पूरे मसाले डाल लिए हैं, देखिए कुकर का ढक्कन लगा के रखूंगी, चूल्हे को ऑन करूंगी। बिस्मिल्लाह, देखिए गाइस 3 सीटी हो चुके हैं, स्टार्ट कर लेंगे अपन। और थोड़ा होना है ये नहीं के लिए, और थोड़ा इसको अच्छे से भून लूंगी।
देखिएगा सब मिल चुके हैं। मैं कुछ देर इसमें डाल देती हूँ जल्दी भिंडी। देखिएगा तो भिंडी को अच्छे से धो लिया है, भिंडी डाल के सीटी लगाऊंगी। देखिए गैस हमारी भिंडी गल चुकी है, डालेंगे खट्टा पर। देखिए जिंदगी का खट्टा डाल लेंगे कम से कम 10 मिनट पका लूँगी खट्टे को। देखिए गैस हमारा खट्टा शेवा रेडी हो चुका है भिंडी का। देखिए गैस हमारा खट्टा शेरवा रेडी हो चुका है भिंडी का। ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना गैस। मिलती हूँ दूसरी रेसिपी से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।